नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंटर एडमिशन 2022 के बारे में। दोस्तों जैसा कि जो भी छात्र एवं छात्रा 2022 में या उससे पहले मैट्रिक पास किए हैं वो अपना इंटर में नामांकन लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इंटर का जो एडमिशन का जो डेट था वो 27 मई को जारी कर दिया गया था, यानी कि 27 मई से आपका इंटर का ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश ये वेबसाइट उसका चालू नहीं हो पाया। उस कारण से आपका जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो 27 मई को नहीं हो पाया। उसके बाद फिर से एक डेट जारी किया गया था 30 मई, यानी कि आज का डेट जारी कर दिया गया था, तो आज भी ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ। इस कारण से जो भी छात्र छात्रा इंटर में एडमिशन लेना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो उन लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग पेशेंस रखें, आपको चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जो आपका अभी तक जो 2022 में मैट्रिक एग्ज़ाम दिए उनका मार्कशीट नहीं मिला है, और मार्कशीट मिलने के बाद ही उनका ऑनलाइन की प्रक्रिया स्टार्ट होगा। लगभग यही उम्मीद है कि मार्कशीट मिल जाएगा तब आपका जो ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले था कि आप क्रोम ब्राउजर से अपना मार्कशीट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते थे, यानी कि जो भी बीए का एडमिशन हुआ था इस बार का जो इंटर पास किए थे बीए में एडमिशन करवाए थे तो उनके पास तो मार्कशीट था नहीं, तो क्रोम ब्राउजर पर से मार्कशीट डाउनलोड करके अपलोड किए थे, लेकिन अभी मार्कशीट भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस कारणवश से लग रहा है इंटर का ऑनलाइन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इस सप्ताह के अंदर में ही आपका किसी भी दिन आपका इंटर का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप घबराए नहीं। तो और मैं बात कर लेता हूँ कि आपको इंटर में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखना है। तो सबसे पहले तो आपको मार्कशीट लगेगा, और उसके बाद आपको करना क्या, आपको एक आधार कार्ड या पैन कार्ड में से एक चीज़ लगने वाला है, वो सब के बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो देना है, प्लस में एक ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा, और उसके बाद आपको कॉलेज में लगने वाले जाति आवासीय आय आप ये सब पहले से बनवा के कंप्लीट रखें, ताकि आपको फिर आगे चल के कठिनाई का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये सब में से आपको लगने वाला है। जो जनरल स्टूडेंट होंगे उनको नहीं लगेगा, बाकी एससी एसटी ये सबको लगभग लगेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बिहार बोर्ड के रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन अपडेट होगा मैं सबसे पहले अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।